सागर शहर के सराफा बाजार में विराजमान मां दुर्गा को नगर सेठानी के नाम से जाना जाता है। नगर सेठानी का 50 तोला सोना, हीरे जवाहरात से श्रृंगार किया गया है। चांदी के अस्त्र शस्त्र धारण कराए गए हैं। बता दें कि यहां पर माता की निगरानी के लिए 24 घंटे कमेटी के सदस्य उपलब्ध रहते हैं, तो वहीं पुलिस भी हर घंटे यहां पर राउंड लगाने के लिए पहुंचती है। यहां पर दुर्गा माँ को विराजमान करने का यह 80वां साल है और इसी प्रकार हर साल यहाँ पर कई तोला सोने से माता का दिव्य और भव्य श्रृंगार किया जाता है। कमेटी के अध्यक्ष बताते हैं कि नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह 80वां साल है। जिस दिन विसर्जन किया जाएगा दशहरे पर, उस दिन इंदौर से आतिशबाजी बुलाई गई है और करीब 2 लाख रुपए की आतिशबाजी यहां पर की जाएगी। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और लगातार इसके लिए सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। समिति के अध्यक्ष विनी सोनी ने कहा कि सभी सहयोग से यह प्रतिमा स्थापित की गई। जो माता रानी की है, जो श्री जगत जननी दुर्गोत्सव समिति सराफा बाजार, जो नगर सेठानी के नाम से जानी जाती है, इस बार 80वां वर्ष है। तो क्या विशेष है यहाँ पर, किस प्रकार से श्रृंगार किया गया? इस बार विशेष है कि उनका पूरा सोने से श्रृंगार किया गया है। जो हीरे जवाहरात से तिलक नथ उनकी काफ़ी आकर्षण रूप में दिखेंगे आपको देखेंगे। तो यहाँ पर सुना निगरानी की जाती, देख रेख कैसे होती है? देख रेख के लिए तो हमारी कमेटी के सदस्य भी रुकते हैं और रात में साथी भी आता है और 4 से 5 राउंड कोतवाली पुलिस का भी राउंड लगता है। तो और दशहरे पर क्या तैयारी है करनी? दशहरे पर स्पेशल इस बार महा भगवान लक्ष्मीनारायण भगवान की स्पेशल झांकी रहेगी और ऐतिहासिक आतिशबाजी का इस बार भी आयोजन रखा गया है।